कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज लगातार एक से बढ़कर एक बड़ी सौगात अपने विधानसभा को दे रहे हैं और लगातार भूमि पूजन का दौरा चल रहा है। हाल ही में दो बड़े पुल सहित कई भूमि पूजन करके सोमवार को दर्शनीय स्थल कोतेबीरा में 3.5 करोड़ की राशि से बनने वाली फुटओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया। कोतेबीरा दर्शनीय स्थल के साथ पर्यटन के लिए भी बेहद खूबसूरत है और यहाँ लोग दर्शन करने छत्तीसगढ़ सहित झारखंड उड़ीसा से आते हैं। कोतेबीरा में शिव जी का मंदिर है और आप भी देख रहे होंगे कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। लोगों की मांग थी कि यहाँ से नदी के दूसरे छोर में इस नदी के दूसरे छोर में कपाट द्वार स्थल है और शक्ति स्थल है। लोगों की मांग थी वहां जाने के लिए ब्रिज होना चाहिए, तो 2 साल पहले इसके यहाँ पे घोषणा करके गए थे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसे स्वीकृति दी और 3.5 करोड़ रुपए का ये फुट ओवर ब्रिज मात्र श्रद्धालु ब्रिज से उस पार जा पाएंगे दर्शन के लिए। उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी और आने वाले समय में इस कोतेबीरा को और पूरी योजना हम लोगों ने बनाई थी, इसको और बहुत अच्छे तरीके से विस्तार किया जाएगा, इसको और अच्छे तरीके से आधुनिक तरीके से आसपास क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा और टूरिज्म के लिए विशेषकर पर्यटन के स्थल को चुना भी गया है और यहाँ किसान नदी बनती हुई है तो राफ्टिंग वगैरह सारी चीजें यहाँ पर होंगी, एक खूबसूरत जगह ये बनने जा रहा है। पहले नदी भरी होने के कारण श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक जाने में असफलता होती थी, लेकिन अब कुनकुरी विधायक यूडी मिंज के पहल से गर्भगृह तक जाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की राशि फुट ओवर ब्रिज के लिए स्वीकृत कर दी गई है, जिसका भूमि पूजन धूमधाम से हुआ। अब मंदिर में पूजा करने के बाद गर्भगृह तक जाने में आसानी होगी, जिसका कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। विधायक यूडी मिंज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम लगातार विकास कर रहे हैं और हर संभव करते रहेंगे। श्रद्धालुओं को अब कपाट द्वार के दर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आगे भी यहाँ के लिए कई बड़े प्रस्ताव तैयार हैं। हम यहाँ के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में यहाँ मंदिर के साथ साथ पर्यटन हब भी विकसित होगा। विधायक यूडी मिंज ने सबसे पहले लोरो स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया, जिसके बाद ढोडियारा में भी जलाभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना करते हुए सबके लिए मंगल कामना कर आशीर्वाद मांगा। जसपुर से ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।